सो गाइस, इससे पहले तक का हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अब युग्मक जनन 3.3, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वर्षण होते हैं और स्त्रियों में अंडाशय होता है, जहाँ पे युग्मक जनन होता है अंडे। देखो, पुरुषों में तो शुक्राणु बनते हैं और मादा में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। जो मादा होती है उनके अंदर अंडाणु बनते हैं, ठीक है। आओ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वर्षण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं होती है, ठीक है। वर्षण में क्या होती है? अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं होती है, जो कि शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु निर्माण करती है, जो कि शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होती है। किशोर अवस्था के समय ये शुरू होता है, किशोर अवस्था के समय शुरू होता है, ठीक है। शुक्र जन नलिकाओं की भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है। तो क्या है? प्रत्येक शुक्राणु द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जो शुक्राणु जन होता है वो द्विगुणित होता है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। और शुक्राणु जनों के समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है, जिसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करता है, जिन्हें द्विगुणित शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार जो उत्पन्न होती है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए चार बराबर अगुणित शुक्राणु पशु पैदा करते हैं। शुक्राणु ये दो छोड़ो इसको, शुक्राणु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं भाई, शुक्राणु पशु क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सट्टोली कोशिकाओं में अंतस्थापित एम्बिडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजन नलिकाओं में मोचित होते हैं, रिलीजिंग होता है, उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन यानी स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजन प्रक्रिया किशोर अवस्था यौनारंभ में होने लगती है, ठीक है। और इस दौरान गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच के स्तरों में काफ़ी वृद्धि होती है। और ये आपको याद होगा कि ये अर्धचेतक यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण ये अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और एक होता है LH और एक होता है FSH, एक होता है LH एक होता है FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। मतलब ये GnRH क्या करता है? अग्रपीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे कि LH और FSH निकलते हैं। आप तो इसे याद रखो, ठीक है। LH तो क्या करता है? जो LH लीडिंग सेल्स पे काम करता है, ठीक है, जिससे कि एंड्रोजन्स का संश्लेषण होता है और स्रवण होता है। और इसके बदले में शुक्राणुजन की प्रक्रिया उद्दीपित होती है, मतलब शुक्राणुजन की प्रक्रिया स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और FSH जो होता है वो सट्टोली सेल्स पे कार्य करता है और कुछ घटकों स्रवण को उद्दीपित करता है और शुक्रजन की प्रक्रिया में सहायक, शुक्राणुजनन में सहायक होता है। अब हम शुक्राणु की संरचना और उसकी जांच करेंगे। सुसुंदर संरचना शीर्ष, हेड, ग्रीवा, नेक, मध्यकंड और एक मूंछ होती है। किसके अंदर? शुक्राणु के अंदर होती है कि नहीं होती? होती है, बट टेल से बनी होती है, टेल्स बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु से बुरी कोशिकाएं आवृत होती है। स्वर्ण दीर्घ एम्बेडेड होता है, केंद्रक होता है, जिसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना, अग्रभाग टोपी होती है, अग्रपिंडक कहते हैं। ये अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों से भरा होता है जो अंडाणु निषेचन के लिए, ये अग्रपिंडक उन अंडाणु निषेचन के अंदर मदद करता है। शुक्राणु के मध्यखंड में क्या होती है? शुक्राणु के मध्यखंड में क्या होती है? सूत्र का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि गति प्रदान करता है, दिमाग गति प्रदान करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, जिस कारण शुक्राणु निषेचन के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने में सुगम रहता है। मैथुन क्रिया के दौरान 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होता है एक पुरुष के द्वारा। और उर्वरता के अंदर 60% शुक्राणु जो होने चाहिए वो निश्चित आकार और आकृति के होने चाहिए। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया है, ठीक है, कितने? और 40% जो है वो तीव्र गतिशील होने चाहिए, ठीक है, जनन क्षमता के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। शुक्रजन नलिका से मोचित रिलीज शुक्र सहायक नलिकाओं द्वारा सहायक होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता गतिशीलता के लिए अधिवर्षण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियां श्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वर्षण हार्मोन बनाए रखते हैं, ठीक है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं।
जो कि पुरुष के शुक्राणुजन के स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही शुरू हो जाती है, ये क्वेश्चन भी नीट में आया है। अंडजन की जो शुरुआत है वो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही हो जाती है और कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजन युगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंदर विनिमित होती है और जन्म के बाद अंडजन का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। भाई देखो ये क्वेश्चन भी आया है, अंडजन जन्म के बाद अंडजन का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती? नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था वन में प्रविष्ट हो जाते हैं और इस अवस्था के स्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाती रहती है और प्राथमिक अंडक कहते हैं। उसके बाद में प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं की परत से आवर्त होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों को भारी। देखो यहाँ पे इस चित्र में आप देखो कि देखो अंडजननी क्या हो जाएगी कि ये देखो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। देखिए गर्भ जीवन में ही हो जाता है, जन्म तो यहाँ हो रहा है, गर्भ होता है तभी इनके अंदर तो अंडजननी स्टार्ट हो जाता है और जन्म के बाद अलग है। हमारा तो जन्म यौनारंभ में शुरू होता है, पुरुषों के अंदर तो यौनारंभ में शुरू होता है लेकिन स्त्रियों के अंदर तो गर्भ जीवन में स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये जो चित्र है इससे कई क्वेश्चन हर साल कई क्वेश्चन इसी से उठते हैं नीट के अंदर। मैंने आपको बोला है कि नीट के क्वेश्चन में आपको दूंगा तो मैं दे रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता है 100% ये पूरा छपा होना चाहिए माइंड के अंदर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आओ आगे आते हैं, ठीक है। शुक्रजन अंडजन का आरेख है तो शुक्राणुजन तो ये है, अंडजनन ये, ठीक है। यहाँ पे तो मात्र जोन यौनम तो केवल 60,000 से 80,000 अंडाणु बचते हैं जन्म के बाद जब यौनारंभ होता है तब, ठीक है, और जो फिर 50 की उम्र तक आते रहते हैं। ये द्वितीयक पुट जल्दी ही तृतीयक पुट में बदलता है, द्वितीयक पुटक जल्दी ही तृतीयक पुट में बदलता है जिसकी गुहा परवार एंट्रम कहा जाता है। ये इसका विशिष्ट लक्षण है। परवार थीका लेयर अंतः परवार थीका इंटरना और बाह्य परवार थीका एक्सटर्ना में गठित होता है और इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। ये एक समान विभाजन, एक ऐसा असमान विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ो उसको, वर्तमान में हमारे देखिए संचित होता है तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक बनाता है जो कि ग्राफ फलोकुल में प्रवृत्त हो जाता है और द्वितीयक पुटक अपने चारों ओर नई झिल्ली का निर्माण कर लेता है जिसे जोना प्लेसेडो कहते हैं। द्वितीयक अंडक के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे जोना प्लेसेडो कहते हैं। अब ग्राफीय पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है और इस प्रक्रिया को अंडोसर्ग कहते हैं। आ जाओ तो ये देखो ये चीज़ भी याद आनी चाहिए, किस दिन अंडोसर्ग होता है तो 14वें दिन होता है भाई, 34 दिन का। देखो नीट के अंदर क्वेश्चन आया कि 34 दिन का एक स्त्री का आवर्त चक्र है तो अंडोसर्ग किस दिन होगा, तो 14वें दिन होगा भाई, 14वें दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, पूर्व बताऊँगा अभी, तो ये चित्र भी याद होना चाहिए, मतलब कब कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है। वो चीज़ याद नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं है। देखो आतव चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि मादा प्राइमेट्स यानी कि बंदर कपी मनुष्य इनके अंदर क्या होता है, आतव चक्र क्या होता है, चक्रिक होता है, साइकिल मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन इनके अंदर रज चक्र पाया जाता है, ठीक है, ये मासिक होता है, ठीक है, 28 से 29 दिन का होता है, ठीक है, और जब यौनारंभ भी शुरू होता है तो उसे रज्जु दर्शन कहते हैं और जब ये खत्म होता है तो उसे रज्जो निवृत्ति कहते हैं, वो तो आप जानते हो। मेस्ट्रॉन साइकिल कहा जाता है प्राइमेट्स के अंदर। प्रत्येक आवर्त चक्र के अंदर मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है जिसे अंडोसर्ग कहते हैं। आर्तव चक्र की प्रमुख घटना को इसमें चित्रपोर्ण में खोला, चित्रपोर्ण 3.9। ये देखो ये आर्तव चक्र की विभिन्न घटनाएं का आरेख रिपोर्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। एनिमेट में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, ठीक है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है और 3 से रक्तस्राव कितने दिन चलता है, ये क्वेश्चन आता है, 3 से 5 दिन ज्यादा रहता है। गर्भाशय में रक्तस्राव का कारण है गर्भाशय की अंतस्तर में उसकी रक्तवाहिनियों का नष्ट होना, उसकी जो रक्तवाहिनी बनी है ना भ्रूण के लिए वो नष्ट हो जाती है फिर, ठीक है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, ठीक है, तरल योनि से बाहर निकलता है, ठीक है, रज्जोधर्म तब मौजूद होता है जब अंडाणु निषिद्ध होता है, अंडाणु निषिद्ध नहीं होता तो फिर रज्जोधर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रज्जोधर्म
कब अनुपस्थित, जो धर्म की अनुपस्थिति कब होती है, तनाव के अंदर, निर्बल स्वास्थ्य के अंदर में जो धर्म की अनुपस्थिति होती है, आतव चक्र प्रावस्था के पुटक की प्रावस्था, इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर विभिन्न प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है, तथा इसके साथ ही गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन प्रोलिवेशन गर्भाशय अंतस्पर पैदा हो जाता है, अंडाशय गर्भाशय के परिवर्तन पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन की मात्रा में बदलावों को प्रेरित करता है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेट्रोफिन LH और FSH का श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है और सब पुटक वर्धन, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना 14वें दिन अंडोसर्ग होता है, ठीक है, अंडोसर्ग उच्चतम होता है क्या FSH LH का आदोचक के मध्य में, यानी कि इन FSH और LH 14वें दिन उच्चतम स्तर पे होते हैं। यहाँ से नीट का क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आया है कि किस दिन LH और FSH का जो होता है उच्चतम होते हैं, तो 14वें दिन होते हैं। यहाँ पे देखो वही मध्य चक्र के दौरान LH और तीव्र श्रवण अधिकतम स्तर पर होता है, जो LH सर्ज कहा जाता है और ये पुटक फटने की प्रेरित करता है जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है। अंडोसर्ग जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडोसर्ग के पश्चात पीतपिंड प्रावस्था होती है, पीतपिंड प्रावस्था अंडोसर्ग के बाद होती है जिसे ग्राफी पुटक शेष रह जाता है और पीतपिंड गर्भस का रूप धारण कर लेता है और ये पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन से होता है। देखो पीतपिंड क्या स्रावित करता है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, पीतपिंड प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, ये बात आती है नीट के अंदर, जो गर्भाशय के अंतस्थ वर्णन करने आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय को अंतस्थ निषेचित अंडाणु अंतरोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आतव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता, ठीक है, वह सगर्भता के दौरान आतव चक्र बंद हो जाता है, इसे रजोधर्म भी नहीं होता, तो निषेचन पीतपिंड खास हो जाता है और अंतस्तर का विखंडन होता है, जिसके कारण फिर से रजोधर्म नया चक्र शुरू होता है, यानी महावारी पूर्ण हो जाती है। स्त्री में आतव चक्र 50 की उम्र तक होते हैं, फिर बाद निवृत्ति हो जाती है, मेनोपॉज हो जाती है, और इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अधिसूचना का आवश्यक है, ठीक है। निषेचन और अंतरोपण यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या है, निषेचन अंतरोपण क्या है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो स्त्री और पुरुष में निषेचन संभोग मैथुन के दौरान निषेचन द्वारा शुक्र योनि में डालता है, योनि में शुक्राणु का डालना ही विषेचन कहलाता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय गिर्भाशय होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाते हैं, अंततः अंडवाहिनी नलिका में तुम्बिका क्षेत्र पर वहां पर पहुंचते हैं, और इसी बीच अंडाशय और मोचित अंडाणु भी वो तुम्बिका क्षेत्र में, तुम्बिका क्षेत्र के अंदर निषेचन होता है, ठीक है। तुम्बिका क्षेत्र, यहां से क्वेश्चन आया है नीट के अंदर कि किस क्षेत्र के अंदर निषेचन होता है, तुम्बिका में होता है। निषेचन तब भी हो सकता है यदि अंडाणु शुक्राणु यदि एक समय पर तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाए, तभी निषेचन संभव होता है, अधिक संभावना होती है, संभोग या निषेचन संभवता की स्थिति में नहीं हो पाता। ये देखो आ जाओ कि शुक्राणु के साथ एक अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण जोनोपसुडा के स्तर में संपर्क में आता है, जोनोपसुडा के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में सुनिश्चित हो जाता है कि अंडाणु केवल एक ही अंडाणु, एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है, भाई अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। ये बहुत अगर पिंडक जो होता है शुक्राणु का पारदर्शी आवरण का माध्यम अंडाणु कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति के प्रवेश करने में मदद करता है और ये द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान रूप से इसके फलस्वरूप द्वितीय पिंड सेकेंडरी की रचना करता है, जिस डिम उगोजन शीघ्रता शुक्राणु होता है, सूजन होता है, फ्यूजन होता है, जो भी एनीथिंग। तो यहाँ पे देखो आप XXYY यहाँ पे आपको लिंग निर्धारण बताया गया, ये आप थोड़ा सा देख लेना आप वीडियो पे, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक बात है कि ना तो पुरुष के हाथ में होता है, पुरुष से ही होता है, पुरुष का ही शुक्राणु डिसाइड करता है कि लड़का हो या लड़की, स्त्री डिसाइड नहीं करती, स्त्री का अंडाणु डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे एक बात मोस्ट है जो मैंने बता दी। समसूत्री विभाजन जिसको विदलन कहते हैं कि शुरुआत तभी होती है जबकि अंडवाहिनी में सेकंड पथ में गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या है क्या नहीं है अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो कि 2, 4, 8, 16 संतति कोशिका कोरक खंड कहते हैं, जैसे 8 से 16 कोरक खंडों को तूतक मोरुला कहते हैं, तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है ये कुरुकुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरकुटी कोरक खंड की बाहर परत में व्यवस्थित होती है जिसे पोस्ट कोरक टोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह पोस्ट कोरक से जुड़े होते हैं जिसे अंतर कोशिका समूह यानी इनर सेल मास कहा जाता है। अब पोस्ट कोरक अस्तर गर्भाशय अंतस्तर को संलग्न जुड़ता है और अंतर कोशिका समूह
भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाती है। संलग्न के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होकर कोरकपुटी को आवर्त कर लेती है और इसके परिणामस्वरूप कोरकपुटी गर्भाशय के अंतस्तर में अंतस्थापित हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है और इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन, देखो भ्रूण अंतरोपण निषेचन पश्चात पोषकोरक अंगुलियों जैसी संरचना उभरती है जिन्हें जराजंतु अंकुरक कहते हैं। ये जराजंतु अंकुरक गर्भाशय उत्तक होते हैं, गर्भाशय उत्तक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जराजंतु अंकुरक गर्भाशय उत्तक एक दूसरे को अंतरांगुलित कर लेते हैं जिससे कि देखो ये रहे ये अंतरांगुलित कर लेते हैं, ये देखो ये अंतरांगुलित करते थे जिससे कि ये भ्रूण जुड़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मोस्ट है संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मात्र कोशिका के साथ एक सनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, अपरा है। ठीक है, भ्रूण में मात्र कोशिका से सनात्मक क्रियात्मक इकाई अपरा है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन देती है, पोषण देती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित उत्पाद हो। देखो यहाँ से प्रश्न आता है, हर साल भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, भ्रूण द्वारा उत्सर्जित एक्साइड अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। अपरा एक नाभिक रज्जु यानी अमर बिल्कुल कॉर्ड है जो भ्रूण से जुड़ा होता है, जो कि भ्रूण के सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर लाने में मदद करता है। अपरा अंतरसावी उत्तकों का कार्य करती है, अंतरसावी उत्तकों का कार्य भी करती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अंतरसावी उत्तकों का कार्य करती है और अनेक हार्मोन जैसे मानव जराजंतु गोनेडोट्रोफिन ह्यूमन कॉर्कोनाइन HCG HPL होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टेशन और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन आदि उत्पादित करती है। तो यहाँ पे आता है कि अपरा कौन कौन से हार्मोन निकालती है, तो HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पादित करती है। कौन? अपरा। सगर्भता की उत्तरार्ध अवधि में अंडाशय रिलैक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। वैसे गर्भता के अंदर अंडाशय रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, सगर्भता के अंदर ही करता है अंडाशय रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन? HCG HPL और रिलैक्सिन केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। अंडा से रिलैक्सिन निकालता है अपरा, HPL HCG एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उत्पादित करती है और सगर्भता की स्थिति में HCG HPL और रिलैक्सिन हार्मोन निकालते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कोर्टिसोल प्रोलैक्सिन थायरोक्सिन आदि मात्रा सगर्भता के दौरान रक्त में कई गुना बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन भी आया है, यह है ना। कुछ हार्मोन बढ़ती है आत्म क्रियाओं में सगर्भता के बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अंतरोपण के तुरंत बाद अंतराकोशिका समूह भ्रूण एक्टोडर्म एंडोडर्म तक भीतरी विभेदित हो जाता है और बाह्य त्वचा अंतर्त्वचा के बीच जल्दी मध्यजन स्तर प्रकट हो जाता है। ये तीनों वयस्क उत्तकों अंगों का निर्माण यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है। इस अंतर कोशिका निश्चित तरह स्टेम कोशिका कहते हैं समाज, तो जिनमें सभी अंग उत्तक होते हैं। सगर्भता के 9 महीने में भ्रूण परिवर्तित होता है, जैसे कैसे कैसे परिवर्तित होता है। सगर्भता के भ्रूण हृदय निर्मित होता है, तो यानी कि 1 महीने के अंदर तो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का पहला संकेत होता है स्टर्टो, भाई 1 महीने के 21 दिन के अंदर तो हृदय बनता है। देखो कितने दिन में बनता है हृदय, 21वें दिन हृदय बन जाता है। ठीक है, 21वें दिन हृदय बन जाता है निषेचन के 21 दिन बाद में निषेचन के 21वें दिन क्या बनता है, हृदय बन जाता है, 21वें दिन हृदय बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में 2 महीने के अंदर भ्रूण के अंदर पाद और उंगलियां विकसित हो जाती है। 12वें सप्ताह के अंदर क्या होता है, पहली तिमाही जिसको बोलते हैं, में प्रमुख अंगतंत्र की रचना होता है। 12वें सप्ताह या पहली तिमाही के अंदर प्रमुख अंगतंत्र बन जाते हैं और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। किस किस में? पहली तिमाही में बाह्य जनन अंग अच्छी तरह, और गर्भावस्था में 5वें के दौरान पहली गतिशीलता आती है। भाई 5वें महीने में पहली गतिशीलता देखी जाती है, सिर पर बाल आ जाते हैं, ऐसा मत देखो। 24वें सप्ताह के अंदर दूसरी तिमाही जिसको बोलते हैं, पूरे सिर पर कोमल बाल आ जाते हैं, आंखें पलके अलग हो जाती है, बोरिया बन जाती है और 9 महीने के बाद परसों के बाद में शिशु बाहर आ जाता है। परसों और दुग्धस्रवण क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मानव में सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह है, 9.5 माह गर्भाधिष्ठान जेस्टेशन पीरियड जिसको कहते हैं, जोरदार संकुचन करता है भाई, गर्भाशय जोरदार संकुचन करता है जिससे गर्भ बाहर आता है। गर्भ के निकलने की इस प्रक्रिया प्रसव कहते हैं। ठीक है, गर्भ का बाहर और जटिल तंत्रिका तंत्र क्रिया होती है और प्रसव संकेत पूर्ण विकसित गर्भ अपरा से उत्पन्न होते हैं। भाई प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हल्के मोड़ गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं जिससे गर्भ
फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये मात्र पीयूष ग्रंथि इससे ऑक्सीटोक्सिन निकालने की क्रिया को सक्रिय करता है। ये मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोक्सिन निकालने, ये क्वेश्चन आता है हर बार, यहाँ से क्वेश्चन आता है 100% क्या आता है कि ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जब क्या होता है कि संकुचन होते हैं गर्भाशय में, तब ऑक्सीटोक्सिन के कारण ही होते हैं वो जोरदार संकुचन गर्भाशय में होने लगते हैं ऑक्सीटोक्सिन से, ठीक है। और गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोक्सिन के अधिक स्रोतों को उद्दीपित करता है, संकुचन होता है तो ऑक्सीटोक्सिन ज़्यादा निकलेगा, और गर्भाशय संकुचनों को ऑक्सीटोक्सिन स्राव बीज लगातार उद्दीपित प्रकोतक के कारण यह तीव्र संकुचन की तीव्रतर शिशु मात्र गर्भाशय के जन्म नाल द्वारा बाहर आता था और ये परसों हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर परसों को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन भी देते हैं, यहाँ पे लिख रखा है इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है। शिशु तुरंत बाद अपरा भी बाहर, शिशु के जन्म के तुरंत बाद अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ, शिशु के तुरंत बाद वो अपराह होती है ना वो भी बाहर आ जाती है, जो बच्ची होती है ना वो। स्त्री स्तन ग्रंथियां गर्भावस्था के दौरान कई बदलाव आते हैं और लैक्टेशन दूध उत्पन्न करती है, दूसरे तरह लैक्टेशन ये माँ का नवजात शिशु आहार प्रतिक्रिया, जो प्रथम स्तन्य जिसे कहते हैं आरंभिक दिनों में जो दूध स्रावित होता है जिसे प्रथम स्तन्य कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, इसके अंदर IgA पाया जाता है, स्वस्थ शिशु और विकास के लिए डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को स्तनपान करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सारांश आ जाता है। तो ये दोस्तों अगला लेसन स्क्रीन पर है, इस पर क्लिक करें और अगला लेसन चलाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, आइए।